पहले पति से बेवफाई की, फिर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, पति को कोसती नजर आई एसडीएम ज्योति मौर्य, गाली देते नया वीडियो वायरल, हर कोई देख कर रह गया सन। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कर दी सारी हदें पार, योगी तक पहुंच गई बात, अब होगा बहुत बड़ा एक्शन, योगी के हाथ लग गया पूरा हिसाब किताब। ज्योति मौर्य के कारनामों की खुल गई पोल, सिर्फ आज से नहीं बीते 2 साल से कर रही थी परेशान, आलोक और उसके पूरे परिवार के साथ किया अभद्र भाषा का प्रयोग, वीडियो हुआ वायरल तो हर कोई रह गया सन। एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों चर्चा में है, हाल ही में खबर आई कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर किसी और से आशिकी लड़ा रही हैं। अब एसडीएम ज्योति मौर्य की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसमें वो अपने पति को कोसते नजर आ रही हैं। आलोक के मुताबिक साल 2010 में उसकी शादी वाराणसी के चिराई गांव की रहने वाली ज्योति से हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की, इसके बाद आलोक ने अपनी कमाई से ज्योति को पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, पत्नी अफसर बन जाए इसके लिए उसने प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में पत्नी का दाखिला भी करवाया। साल 2015 में दोनों को जुड़वा बेटियां हुई, उसी दिन बीसीएस परीक्षा का परिणाम भी आया और ज्योति का चयन बीसीएस में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई, ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया। लेकिन कुछ दिन बाद अफसर बनी पत्नी ज्योति मौर्य पति के खिलाफ हो गई। ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवाया। आलोक और ज्योति का शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था कि इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। आलोक का कहना है कि ज्योति मनीष के करीब और उससे दूर होती चली गई। आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने मोबाइल चेक किया, इसमें मनीष दुबे के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। यही नहीं, उसका आरोप है कि उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। चैट में दोनों इलू इलू करते नजर आए, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ज्योति मौर्य पर लगे आरोपों के बाद ज्योति भड़क गई और यहाँ तक कि आलोक का आरोप है कि ज्योति की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मौर्य अपने पति को कोसती नजर आ रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, ज्योति आलोक के पूरे परिवार को गाली दे रही हैं, जिसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य सवालों के घेरे में आ गई हैं। इससे पहले आलोक ने ज्योति पर घूसखोरी का आरोप भी लगाया, पूरा काला चिट्ठा सबके सामने रख दिया, वो सीक्रेट डायरी के पन्ने योगी आदित्यनाथ को भी पोस्ट कर दी जिसमें ज्योति के कारनामों का पूरा खाका है, जिसमें ये बताया गया है कि T4000 और L4 लाख होता है और इसी के चलते ज्योति मौर्य का घूसखोरी का धंधा चल रहा था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर है कि लखनऊ से आदेश आ गया है और ज्योति मौर्य पर बहुत जल्द बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। यहां तक कि ज्योति मौर्य पर एक बड़ी जांच भी बिठाई जा सकती है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई का भी अंदेशा है। दोस्तों, आलोक मौर्य को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और क्या ज्योति मौर्य पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।